वह यहाँ हमारे बीच में यहाँ पर 31 योजनाएं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास का एक साथ में एक जगह में एक समय पर जो है हमने यहाँ पर कार्यक्रम किया। पिछले कल और आज का दोनों को मिलाकर के ये कितना हो गया मेरे हिसाब बड़ा कमजोर था, 325 करोड़ 300 करोड़ दो विधानसभा क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश में 4 वर्षों से हमारी पार्टी की सरकार जब से बनी, एक लक्ष्य को लेकर के हमने काम करने की कोशिश की, गरीब आदमी की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके उसके लिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कहने के लिए 4 वर्ष, लेकिन सही मायने में काम करने के लिए 2 वर्ष ही मिल पाए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उन चुनौतियों का सामना करते हुए हम पार हो रहे हैं। हिमाचल एक नहीं अनेक स्थानों पर जो है बाकी प्रदेशों से आगे निकल करके काम कर रहा है। उपलब्धि किसको बोलते हैं, वो तो ये तो काम नहीं है बोलते हैं। तो इसलिए फिर बात कहने लगे कि नहीं, फिर मुझे ख्याल आया मैं इनके लिए उपलब्धि तो और चीज है, मैंने सही बात कही, इनके लिए उपलब्धि ये नहीं है। इनके लिए तो उपलब्धि वो होती है जहां जब 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है उसको उपलब्धि मानते हैं। घोटाला ही उनके लिए उपलब्धि है, इसलिए उनकी सोच का दृष्टिकोण यह लगता था। मैंने कहा वो उपलब्धि तो आप ही हासिल कर सकते हैं भाई, और आज मैं इस बात को कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 7.5 वर्ष सत्ता में है, देश के प्रधानमंत्री के नाते दुनिया में उनका उनका जो है कादर आज सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाना जाता है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। तो ऐसे में भाई और बहनों, हिमाचल में 4 वर्ष सरकार की हुई और 4 वर्ष में कोई उंगली उठा करके नहीं कह सकता सर, इसलिए नहीं कह सकता कि हमने समर्पण के भाव के साथ काम किया, ईमानदारी के साथ काम किया, यही एक अंतर है जिसको समझने और समझाने की जरूरत है।